पहाड़ों को रे बसी तू दिल्ली रोड़ी वाली। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज आपको मैं एक ऐसे गांव में ले जा रहा हूं जो गांव तराई भाबर से कम नहीं है, जिस गांव का नैसर्गिक जो सौंदर्य है वो देखने लायक है, और बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हैं, बाखलियां बनी हैं, नक्काशी है उन बाखलियों में, इतनी लंबी बाखलियां हैं कि 100 मीटर तक आपको एक ही घर मिलेगा, यानी कि घर के बाद घर, घर के बाद घर, इस तरह से ज्वाइंट घर्स होते हैं, और जो सीढ़ियों का आकार होता है वो भी देखने लायक है। तो दोस्तों, चलिए उस गांव में देखते हैं, उस गांव का रहन सहन देखते हैं, उस खेती देखते हैं और उनका पशुपालन देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी हम शिराघाट में, शिराघाट आने के लिए आपको हल्द्वानी आना है या काठगोदाम आना है बाय ट्रेन, और उसके बाद सीधे शिराघाट के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी, और शिराघाट से वो गांव बहुत मुश्किल 10 से भी कम किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो आइए कभी इस गांव में, अभी हम सरयू के बिल्कुल पास में हैं, ये झूला पुल भी है पहाड़ों में, इस तरह से जो पैदल चलने के लिए होते हैं इस तरह के पुल बनाए जाते हैं, और सरप्राइजिंगली आज मेरे साथ मेरी वाइफ भी है। नाली एक गांव है जिसका नाम नाली क्यों पड़ा आई डोंट नो, बट वहां जाके पता करते कि उस गांव का नाम नाली कैसे पड़ गया। मैंने दूर से वो गांव देखा है लेकिन उस गांव में पहली बार जा रहा हूँ। चलिए फिर से उस नेचुरल यात्रा में मेरे साथ चलिए। मेरा जो नया चैनल है यूट्यूब में म्यूजिकल ह्यूमन के नाम से, आप उसे देख लीजिएगा एक बार, सब्सक्राइब करके रखिए, और वो उन लोगों के लिए है जो बच्चे गांव में रहते हैं, साधन विहीन हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक खुला मंच है, वो आए मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाएं, मुझे कॉल करें, मुझे मैसेज करें, तो मैं उनको मौका दूंगा। बहुत जल्दी उस पर एक नया सॉन्ग रिलीज होने वाला है, तो उस सॉन्ग की खासियत ये है कि वो सारे नए कलाकार हैं, जो गांव के कलाकार हैं जिनके अंदर हुनर है, वो आगे आना चाहते थे, मैंने कहा वेलकम, तो उनको मैंने मौका दे रखा है। उसमें सिंगर तो खैर रेनाउंड सिंगर हैं, बट जो बाकी के एक्टर्स हैं वीडियोस के अंदर, तो वो नए लोग हैं। ये नाली का एक छोटा सा कोना दिख रहा है मुझे अभी, तो अभी 1.5 किलोमीटर के बाद हम वहाँ पर होंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे और एक संपन्न गांव के अंदर हैं। यहाँ का रहन सहन, तमाम चीज़ें आपको दिखाते हैं। रोड से बस बमुश्किल 50 मीटर ऊपर हम आए हैं और ये गांव शुरू हो गया है। देखिए, ये सुंदर सा घर बना हुआ है, और यहाँ पशुपालन भी बहुत बेहतर होता है, भैंस पालन है, बकरी पालन है। मेरे साथ पूरन सिंह जी है। नाली जो कैसे पड़ गया यहाँ का नाम? नहीं, ये बुजुर्गों की देन है ना, यहाँ खेती बाड़ी होती थी। हाँ हाँ, खेती से मतलब अगर किसी को राशन देते थे तो नाली भर के देते थे। अच्छा, किसी किसी का नाम नाली पड़ गया। क्या बात है, जो राशन वगैरह जो है आप नाली में भर के देते हैं। भर के। अच्छा, अभी भी खेती बाड़ी इतनी होती है यहाँ पर कि बेचने के लिए पर्याप्त होती है? होती है। अच्छा, शानदार घर बने हुए हैं, कुछ घर तो बाखली में भी है, बाखली के पास भी ले जाऊंगा मैं भी आपको। अभी मेरे साथ यहाँ पर आनंद सिंह जी हैं, इस गांव के निवासी हैं और रिटायर्ड सूबेदार हैं। विभाग ने जैसे भी है कोई 25,000 रुपए दिए और खुद इन्होंने सब 25,000 में पूरा पानी के नाल लगा के सिंचाई कर रखे खेती। अच्छा। लान हो जाएगी खेती। अच्छा, सिंचाई की व्यवस्था है गांव के अंदर? अभी गांव वालों ने अपने उससे कर रखा है। अच्छा, घर में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कि क्या सेवा कर सकते हैं, आप पानी पीजिए, आप चाय पीजिए, आप खाना खाइए, इस तरह से यहाँ आतिथ्य होता है गांव के अंदर। और पहाड़ के गांव तो मत पूछिए आप, यहाँ पर इतना प्यार मिलेगा आपको कि आप दंग रह जाएंगे। तो बहुत बड़ा गांव है ये दोस्तों। अभी इस नाली गांव की जो सबसे बड़ी बाखली है, मैं उस बाखली के पास में हूँ,
इस बाखली के एंट्रेंस पे हूँ, बहुत बड़ी एंट्रेंस बना रखा है। और इनका किचन गार्डन, मैं बाखली को दिखाने से पहले मैं आपको इनका किचन गार्डन दिखाता हूँ। तो इस किचन गार्डन में हर तरह की सब्जी आपको मिल जाएगी। इसमें अदरक है, हल्दी है, पालक है, मेथी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, लहसुन है, लाई है। और इसके दूसरी तरफ भी इसी तरह का किचन गार्डन देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बाखली दिखाता हूँ कि बाखली होती क्या है। कई घरों को एक साथ जोड़ा जाता है और एंट्रेंस उन सब के अलग अलग होते हैं। इस तरह से बनती है ये बाखली, ये दुमंजला बाखली है। यहाँ से ये चली चली ये बाखली, अभी भी एंड नहीं हुई है, अभी भी एंड नहीं हुई है। आगे एक घर थोड़ा सा रिनोवेट हो गया है, बट वो भी बाखली का ही पार्ट ऑफ बाखली है। जब कई घरों को एक चेन में, एक ट्रेन के डिब्बे की तरह से जोड़ा जाता है, तो वो बाखली बनती है। तो शानदार घर है ये, इतने बेहतरीन आंगन बने हुए हैं। कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि कोई भी अननेचुरल कॉन्क्रीट फॉरेस्ट नहीं है, ये कम्प्लीटली पत्थरों का बना हुआ आंगन है। और पत्थरों के ऊपर भी लिपाई कर रखी है, इस तरह से ऐपड़ बने हैं घर में प्रवेश करने के लिए। पुराने ज़माने में इस तरह से सीढ़ी बनाई जाती थी, इसको सीढ़ी कहते हैं पहाड़ में। इसके ऊपर बैठ के लोग बातें करते हैं। ये देखिए कंप्लीट पत्थरों का बना हुआ है, तो इसमें जानवर को भी दिक्कत नहीं होती। ये डबल सीढ़ी है, इसमें डबल सीढ़ी है और दो एंट्रेंसेस हैं। ये नक्काशी इस खिड़की के जो पल्ले हैं उसमें भी इस तरह की नक्काशी कर रखी है। ये हाथ से बनता था उस टाइम पे, कोई किसी तरह का मशीन नहीं होता था। इसमें इस एक कंबाइंड सीढ़ी से दो घरों में आप प्रवेश कर सकते हैं। इसका जो ग्राउंड फ्लोर होता है दोस्तों, वो पशुओं के लिए होता है। जो पालतू पशु होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर के अंदर रहते हैं। नक्काशी देखिए आप, शानदार घर और बहुत लंबी बाखली है ये। ये बाखली मैं आपको बता रहा था कि छोटी मोटी बाखली नहीं, ये बहुत लंबी बाखली है। इतनी लंबी भी अभी भी एंड नहीं दिख रहा है ढंग से इसका। दीवान सिंह जी, कितना समय हो गया बाखली को? ये हमारे अच्छा बुजुर्गों ने बनाई थी। अच्छा, मतलब 100 साल से भी ज्यादा? हाँ, 100 से ऊपर तो हो गया। 100 साल से ऊपर इस बाखली को हो गए हैं। यहाँ पर कम से कम 150-200 परिवार तो है। हाँ, इस गांव। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी जंगल नहर हमारे यहाँ चलती है, कम से कम 7.5 किलोमीटर लंबी। हाँ, उसकी हालत पहले तो ठीक थी, पहले प्राइवेट पूल थी वो। हाँ, फिर विभाग ने ले लिया। हाँ, कुछ सालों तक तो ठीक चला। हाँ, अब ये 5-7 सालों से ये बिल्कुल इसमें काम नहीं हो पा रहा। ओहो, लेकिन फिर भी पर्याप्त अनाज हो जाता है यहाँ पर? अनाज पर्याप्त तो होता है अपने लिए। हाँ, पहले तो काफी होता था। हाँ, अब कृषि में लोगों का ध्यान भी कम रहे। आपने देखा कि कई लोग जिस घर में भी गए, चाय के लिए पूछ रहे हैं, खाने के लिए पूछ रहे हैं। तो ये शानदार परिपाटी है पहाड़ों की। एक बार फिर और चाय की डिमांड आ गई। सर चाय नहीं है, सर चाय नहीं है, चाय नहीं पियेंगे। बैठते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं गांव की तरफ ना। सिंचाई की व्यवस्था है कहाँ? यहाँ सिंचाई की व्यवस्था के लिए कंप्लेन करना पड़ता है, तब सरकार जगती है। अभी भी बच्चे लाए पानी, वो कंप्लेन किया चारों तरफ, तब जाके पानी थोड़ा बहुत बच्चे, गाँव के बच्चे लाए। अच्छा, श्रमदान करके। अच्छा, यहाँ पर जॉब वाले सर्विस क्लास लोग होंगे? हाँ, या सब कृषि पर डिपेंडेंट हैं? नहीं नहीं, जैसे नहीं हूँ मैं भी सर्विस से अभी रिटायर हो गया सुबेदार से। अच्छा, ज्यादातर फौज में है, एक सुबेदार साहब और मिले थे। हाँ, उधर फौज में भी है, अभी भी रनिंग सर्विस में भी है। मतलब यहाँ की दोस्तों अर्थव्यवस्था कृषि तो है ही है, साथ में यहाँ नौकरी पेशा लोग भी हैं, भले वो प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, लेकिन नौकरी पेशा लोग गाँव के अंदर रहते हैं। इसीलिए गांव की संपन्नता दिन दोनी रात चौगुनी होती जा रही है, क्योंकि कृषि से भी इनकी आमदनी होती है और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी वहां से पैसा यहां भेजते हैं। तो इस तरह से गांव की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है और हर घर में आपको एक गाय या एक भैंस जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स, इस तरह हम दूसरे एंट्रेंस पे है। यहाँ पर भी एक सिस्टम आप देख रहे हैं कि हर दो घरों के बाद एक रोड बनी हुई है जो सीधे जो मेन रोड है, हाईवे जो है, उसको टच कर रहा है। और दोनों तरफ से आपको किचन गार्डन्स मिल जाएंगे। अभी बकरियों का झुंड चरने के बाद आ रहा है, एक जंगल से वापस आ रहा है। एक
खुशाल जी, आप क्या बकरी चराने गए थे क्या? खुद पाई रहन बकर ये मेरे ही ऊपर पड़ोसी मेरे घर ऊपर है। अच्छा 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 भाई साहब, पड़ोसियों के ऊपर वाले पड़ोसी के। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। मच्छर भगाने के लिए इस तरह से धुआं किया जाता है, और नहीं तो मच्छर परेशान कर देते हैं जो पालतू पशु होते हैं उनको। अच्छा, ये मैं बरियात होनी से तभी इसमें रंग रोशन कर रखा है और शानदार सजा रखा है इस घर को। इसमें बारात जाने वाली है, आने वाली है? बारात आने वाली, यानी कि इस घर में लड़की की शादी है। और ये थोड़ा सा पुराना हो गया, इसके आगे भी ये बाखली अब यहाँ जाके एंड हो रही है दोस्तों। लगभग ये बाखली 100 मीटर लंबी बाखली है, 100 मीटर से ज्यादा लंबी बाखली है। अब जाके इस बाखली का मुझे छोर मिला है। क्या शादी सु? ये भतीजी। अच्छा, तुम्हें भतीजी से काम होने पर पापा आते तो। आज खेतन में काम नहीं आ रही है कि बात? अच्छा, तेल मिलाल ने खेतन में भी मखा मिल जाला है। चलो बढ़िया है। तो बुआई क्या मैं कर सा तुम यहाँ बोल देने जुड़ दे रहा है या ट्रैक्टर? ट्रैक्टर में करना। हाँ बोल दे, चलने में नाल फड़ बहुत। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये बैल किस काम आते हैं आपको पता है? ये एक बैल पहाड़ों में खेती जोतने के काम आते हैं, इनसे जुताई होती है। तो ये दो बैल यहाँ भी है, हर घर में बैलों की भी जोड़ी मिलेगी आपको। तो ये ट्रैक्टर का काम करते हैं बैल हमारे। मेहनत के हिसाब से यहाँ के पशु भी बड़े हेल्दी हैं। लगभग इस गांव के अंदर 150 परिवार रहते हैं। तो इस तरह ये एग्जिट बने हुए हैं, हर 2-3 उसके बाद एग्जिट बने हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ के बड़ी बड़ी खेती बाड़ी दिखाते हैं। ये देखिए, वैसे तो पहाड़ों में जो लूटे बनते हैं, यानी जो घास सुखाने का जो तरीका होता है उसके लिए पोल गाड़े जाते हैं, लेकिन बट यहाँ इस पेड़ पे ही पुला वो बना दिया है, लूटा बना दिया है। वाह, ओ वाह 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 दोस्तों, अब आप देखिए इस गांव की खेती को देखिए। अब आप यहाँ के बड़े बड़े प्लॉट्स, बीचों बीच इस तरह से रास्ता बना हुआ है। रास्ते के मेरे लेफ्ट में वो दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है खेती खेत नजर आ रहे हैं। अगर हम इसके राइट साइड में देखते हैं, इस रास्ते के राइट साइड में भी, तो यहां पर भी उतना ही खेत है जितना इसके लेफ्ट में है। सिंस आज कोई एक स्पेशल ओकेजन बता रहे हैं तो उसकी वजह से आज बैल काम नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज मेरा मकसद था कि मैं आज आपको बैलों की जोड़ी के बारे में बताऊं, बैल किस तरह से जोते जाते हैं, किस तरह से उनसे बुआई होती है पहाड़ों में, वो आपको दिखाने का इरादा। ये मिल गया हमें एक बैल को, जब एक बार उसमें एक सिंगल सी सरिया से खुदाई होती है, दूसरी बार में जो बड़े बड़े डेले हो जाते हैं उन डेलों को तोड़ने के लिए इस तरह का इजाद किया हुआ यंत्र है। इस तरह से इसके दांत बना रखे हैं, ये दांतों से डेलों को तोड़ देता है। और ये बैल के कंधे पर जो एक पट्टा रखा जाता है उसके ऊपर टिका दिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये ऊपर वाली पहाड़ी खिरमंडे जाने वाली रोड है। इस पहाड़ी से अगर हम नीचे आते हैं तो बहुत ही घना जंगल है ये, और ठीक ये सरयू पर आते हैं। ये हल है, इस हल से ये इसका जो नोक है ये बहुत ही बारीक होती है। इस हल को बैल के दो बैलों के सर के ऊपर इसको रखा जाता है इस तरह से, और यहाँ पर फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाना है यहाँ बैठ जाता है। तो ये इस तरह से बुआई होती है। और ये हल लकड़ी का बना होता है, लकड़ी के बीच में एक छोटा सा नाली बना के उसमें लोहे की रॉड डाल दी जाती है, वो धरती को फाड़ देता है। तो इस तरह से बैल का भी जो काम है वो देशभक्ति का काम है। बैल का भी, बैल भी हमें बहुत कुछ देता है, इस धरती को चीर के हमें अनाज देता है, इसलिए हम जिंदा रहते हैं पहाड़ों की बात में कर। हालांकि प्लेन में तो बहुत ज़्यादा खेती होती है, वहाँ लोग ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ का जो अनाज मिलता है वो बैल से मिलता है। पहाड़ों को रे मसी तू दिल्ली रोने वाली, मधार को पानी वाली तू बिसीली वाली, जनगण न जागत मैं सुरपल का पास हूँ, रामदापुर राम से जाता हूँ बना रखा है। दोस्तों ये गांव का दूसरा छोर है, यहाँ से भी आप सरयू नदी के दर्शन कर सकते हैं।
और यहाँ भी लंबे लंबे खेत, बड़े बड़े प्लॉट्स हैं और खेती बाड़ी यहाँ भी शानदार होती है और ऊपर की तरफ भी यहाँ अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। फ्रेंड्स, अब आज के इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ की समृद्धि को देख के, यहाँ के बड़े बड़े खेत खलिहानों को देख करके। कभी आइए इस गांव के अंदर, मिट्टी से खेलिए, बहुत बहुत खेत हैं इधर, यहाँ काम करने की प्रचुर संभावनाएं हो सकती हैं। तो आप कभी इस नेचुरल गांव में आइए, गांव का जीवन जी के देखिए, कितना मज़ा आता है सादगी में। तो अगले ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है एक और नए प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य वाले गाँव के साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए सी गुड बाय।